गुड इवनिंग स्टूडेंट, हम डिटरमिनेट कर रहे हैं चैप्टर फोर के। हमने एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो ये है, इफ एल एम टू थ्री एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, फाइंड एल रेशो एम। एल और एम का रेशो हमें फाइंड करना है। ऐसा हम एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं। हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, एल एम 2 3 इक्वल्स टू जीरो, 3L माइनस 2M इक्वल्स टू जीरो, 3L इक्वल्स टू 2M, L अपॉन M इक्वल्स टू 2/3, सो L रेशो M इक्वल्स टू 2:3। ये आपका सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, सारणिक दे रखा है आपको। आपसे पूछा गया है द्वितीय पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करें, फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 2 3 4 3 6 5 1 8 9। कहा गया इसके सेकंड रो के माइनर निकालने, उपसारणिक निकालने। सेकंड रो, सेकंड रो ये है, देखिए इसका पहला एलिमेंट है 3, सो 3 आपका एलिमेंट 2 1 नंबर का है, तो इसका माइनर होगा m21 को हम डिनोट करेंगे 3 के लिए। इसके बाद कॉलम और रो कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 3 4 8 9। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 6, m22 के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचे का हमारे पास 2 4 1 9। इसके बाद सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट m23 2 3 1 8, इसे सॉल्व करते हैं, 3 × 9 27, 8 × 4 32, सो यह है -5, 9 × 2 18, -4 14, 2 × 8 16, -3 13। सो इसने आपसे सेकेंड रो के एलिमेंट के माइनर पूछे थे, तीनों माइनर हमने इसमें निकाल दिए। सो ये सेकेंड क्वेश्चन है, आपसे सेकेंड रो के एलिमेंट्स के माइनर पूछे गए थे इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड वैल्यू, बिना प्रसार आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंड नहीं करना, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है उनको यूज करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने डिटरमिनेंट को लिखा 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब मैं थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूँ। जो एलिमेंट से काफी बड़ी कैलकुलेशन बना सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर, सो मैंने थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, रो टू जो सेकंड रो उसके एलिमेंट में से रो वन को लेस कर दिया, ताकि रो आपकी छोटी हो जाएगी, मतलब एलिमेंट छोटे हो जाएंगे। रो थ्री में भी मैंने ऐसा ही चेंज किया, रो थ्री को चेंज किया मैंने, रो थ्री माइनस रो वन। इसके बाद देखिए रो वन को मैंने एज इट इज लिखा 13 16 19, रो टू में से रो वन को लेस कीजिए, 14 − 13 आपके पास 1 आएगा, 17 − 16 1, 20 − 19 1। ऐसे ही रो थ्री में से रो वन को लेस किया, 15 − 13 2, 18 − 16 2, 21 − 19, ये भी 2 होगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 कॉमन आ रहा है रो थ्री से 2 को कॉमन ले लिया, 13 16 19 1 1 1,
यहां से टू कॉमन हो गया, सो रहेगा हमारे पास वन वन वन। अब देखिए इसमें रो टू और रो थ्री सेम है, रो टू इक्वल टू रो थ्री, दो रो सेम होने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सो ये वैल्यू भी हमारे पास जीरो आएगी। सो डेल की वैल्यू जीरो होगी। आपने करा क्या इसमें, सिर्फ जो बड़ी कैलकुलेशन है मतलब बड़े एलिमेंट से उनको छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रो वन के एलिमेंट को लेस किया है सेकेंड में से और फर्स्ट में से थर्ड में से। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था 4.2 का। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है एक डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम है 111, सेकेंड कॉलम है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, थर्ड कॉलम है वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, और हमें प्रूव करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं एलएचएस में, वन 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 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो साइक्लिक ऑर्डर में x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। काफी इजी प्रूफ है। जब भी आपके पास ट्रिपल वन मिल रहा हो या तीन एलिमेंट सेम मिल रहा हो एक रो में या एक कॉलम में, तब आप एक रो को बाकी दो में से लेस कर दीजिए। सो मैंने यहां पे किया है आर वन को चेंज, आर वन को चेंज किया मैंने आर वन माइनस आर थ्री, ऐसे ही चेंज मैंने आर टू में किया है आर टू माइनस आर थ्री। सो आर वन को चेंज किया आर वन माइनस आर थ्री, आर टू को चेंज किया आर टू माइनस आर थ्री। देखिए आर वन है वन वाई जेड वाई प्लस जेड माइनस, इसमें हमें माइनस करना है आर थ्री को, सो आर थ्री को माइनस किया, आर थ्री को माइनस किया, सो माइनस का वन माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सिमिलरली अब हमने आर टू में से आर थ्री को माइनस करना है, सो आर टू लिखा पहले मैंने वन जेड एक्स जेड प्लस एक्स एंड इसमें से आर थ्री को माइनस किया, सो आर थ्री देखिए वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये वाला एलिमेंट माइनस करेंगे सो दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड को मैंने एस इट इज लिख दिया वन एक्स वाई एक्स प्लस वाई। सो कैलकुलेशन देखिए क्या आएगी हमारे पास, वन माइनस वन जीरो, वाई जेड एंड एक्स वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई, सो हमें मिलेगा जेड माइनस एक्स। यहां वाई से वाई कैंसिल, जेड माइनस एक्स, वन माइनस वन अगेन जीरो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, जेड माइनस वाई एक्स एक्स कैंसिल जेड माइनस वाई, वन एक्स वाई एक्स प्लस वाई। मैंने कहा था कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद हम सिर्फ कॉमन चेक करते हैं, तो देखिए इसमें मुझे जेड माइनस एक्स मिल रहा है, यहां भी जेड माइनस एक्स मिल रहा है और जीरो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। सो जेड माइनस एक्स आप आर वन से कॉमन लेते हैं एंड सिमिलरली z माइनस वाई हम कॉमन ले रहे हैं r2 से, सो z माइनस एक्स z माइनस वाई जीरो वाई वन जीरो एक्स वन वन एक्स वाई एक्स प्लस वाई। साइन कन्वेंशन ध्यान रखिए प्लस माइनस प्लस। सॉल्व करते हैं इसे, जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, इसके लिए सॉल्व किया मैंने, सो ये मुझे मिलेगा वाई माइनस एक्स। अब देखिए आंसर में आपके पास है एक्स माइनस वाई बट मेरे पास आया वाई माइनस एक्स, सो मैं इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा, सो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई हो गया। दूसरी टर्म है मेरे पास वाई माइनस जेड, सो यहां से फिर माइनस कॉमन लिया सो प्लस हो गया वाई माइनस जेड, थर्ड टर्म जेड माइनस एक्स। सो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है। एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूफ का नहीं है क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू का है। फाइंड वैल्यू, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट को मैंने लिखा, डिटरमिनेंट में डेल से डिनोट किया है, फर्स्ट रो है जीरो, बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए, ए स्क्वायर बी जीरो, सी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी जीरो। अब आप पहले एक एक रो को ऑब्जर्व करें, पहली रो को देखिए। पहली रो को अगर आप देखेंगे तो इसमें ए है, इसमें ए है, और जीरो में सब कुछ होता है। सो आर वन से आप ए को कॉमन ले सकते हैं। ऐसे दूसरी रो देखें तो आपको यहां से बी कॉमन दिख रहा है, आर टू से आपने बी कॉमन ले लिया, एंड आर थ्री से आपने सी को कॉमन ले लिया। सो आपने ए बी सी कॉमन ले लिया है डिटरमिनेंट में। अब यहां से ए कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा जीरो, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। बी कॉमन लेने के बाद बचेगा ए स्क्वायर, जीरो, सी स्क्वायर। सी कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, जीरो। ये मेरे पास आ गया। अच्छा, ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद वापस कॉमन देखिए, रो में से तो आएगा नहीं क्योंकि रो में से हम ले चुके हैं, कॉलम में देखिए। आप देखिए इसमें ए स्क्वायर दिख रहा है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो ए स्क्वायर कॉमन लेना है आपको सी वन से, बी स्क्वायर कॉमन लेना आपको सी टू से, एंड सी स्क्वायर कॉमन लेना आपको सी थ्री से। डेल आ गया आपके पास ए बी सी। ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, एंड सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। सो बचेगा क्या आपके पास, देखिए सभी एलिमेंट वन हो जाएंगे, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो। इसके बाद आप चाहे तो ट्रिक लगा के इसको जीरो बना सकते हैं, इसमें से इसे लेस करके आप सीधा भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने सीधा एक्सपेंड करने पे भी आंसर आ जाएगा, मैंने सी टू को चेंज किया, सी टू माइनस सी थ्री, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जीरो वन वन। देखिए कॉलम टू में से कॉलम थ्री को लेस कर रहा हूं, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, वन वन जीरो। इसे सॉल्व किया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, देखिए इसके लिए सॉल्व करेंगे हम। सो मेरे पास आएगा वन माइनस माइनस वन, सो प्लस वन हो गया, ये वैल्यू हो गई टू ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है टू ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। ट्रिक क्या है, पहले स्टेप में मैं रो वन से ए, रो टू से बी, और रो थ्री से सी कॉमन ले रहा हूं। इसके बाद कॉलम वन से कॉमन ले रहा हूं ए स्क्वायर, कॉलम टू से बी स्क्वायर, कॉलम थ्री से सी स्क्वायर। और उसके बाद आप ये ट्रिक लगाना चाहें तो ही लगाएं, सीधा एक्सपेंड करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व का है, सो वो अभी नहीं बता रहा हूं, एट देख रहे हैं। प्रूफ करना है, हमें एक डिटरमिनेंट दिया जिसमें फर्स्ट रो है ए बी सी, सेकंड रो एक्स वाई जेड, थर्ड रो पी क्यू आर। इसको दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूफ करना है, फिर ऐसे एक तीसरा डिटरमिनेंट लाना है। दूसरे डिटरमिनेंट में एक्स वाई जेड ऊपर है, पी क्यू आर सेकंड रो पे, ए बी सी थर्ड रो में, देन आपके पास आता है वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। ये हमें प्रूफ करना है। सो हम सबसे पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट लेते हैं डेल वन, इसको डिनोट कर देता हूं मैं डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री से, ये मुझे प्रूफ करना है। सो मैंने डेल वन लिया, डेल वन है आपके पास ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब देखिए आपको अपने आप ट्रिक पता चल रही है कि ये वाली जो रो है ना हमें डेल टू में ऊपर चाहिए, सो मुझे इन दोनों को आपस में बदलना पड़ेगा। रो वन को मैंने रो टू से इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट का साइन बदलता है, तो पहले प्लस की वैल्यू थी अब माइनस की होगी, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड पी क्यू आर। यस, यहां तक सॉल्व कर लिया। अच्छा अब हम देखते हैं सेकंड रो पे क्या है, सेकंड रो है पी क्यू आर जो कि हमारी थर्ड रो में, तो मेरे को इसे इससे ऊपर भेजना होगा। मैंने आर टू को चेंज किया आर थ्री से, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और ये वैल्यू आपकी डेल टू हो गई है। सो डेल वन इक्वल्स टू डेल टू आपके पास आ चुका है।
यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब मुझे डेल थ्री प्रूफ करना है, या तो मैं डेल वन से डेल थ्री लेके आ जाऊं या डेल टू से डेल थ्री लेके आ जाऊं। सो पहले मैं साइड में डेल थ्री लिख लेता हूं। डेल थ्री में क्या अरेंजमेंट है, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, ये चाहिए डेल थ्री में। सबसे पहले तो मैं डेल टू को वापस लिख रहा हूं। डेल टू लिखा मैंने, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। अब आप खुद ट्रिक फाइंड करेंगे कैसे प्रूफ करना होता है। तो देखिए, अगर ट्रिक को ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट जो प्रूफ में है उसे देखिए। यहां पे एक्स वाई जेड रो में लिखा है बट यहां कॉलम में है, तो सीधा सीधा है कि आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, रो और कॉलम को आपस में बदल देना है, मतलब ट्रांसपोज करना है। आपको लिखना है, इफ वी चेंज रो एंड कॉलम म्यूचुअली डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन अनचेंज, यदि सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तब सारणी का मान नहीं बदलता। मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम म्यूचुअली डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन सेम, सारणी की पंक्ति स्तंभ परस्पर बदलने पर मान नहीं बदलता। सो अब हमने डेल टू लिया और उसमें डेल टू का हम ट्रांसपोज कर देंगे और वो भी डेल टू ही होगा। सो देखिए, डेल टू आपका क्या था, डेल टू था एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया मैंने। सो अब डेल टू होगा आपके पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद डेल थ्री को देखते हैं। डेल थ्री में सबसे ऊपर चाहिए वाई, सो यहां पे ये दोनों आपस में चेंज होंगे। रो टू को मैंने रो वन से चेंज कर दिया, वाई क्यू बी एक्स पी वाई क्यू बी एक्स पी ए जेड आर सी, और बाहर आ जाएगा एक माइनस। इसके बाद देखिए वाई बी क्यू, बट यहां पे हमारे पास जो आया वो वाई क्यू बी है, तो मुझे इन दोनों कॉलम को आपस में बदलना होगा। सी टू को मैंने सी थ्री से चेंज किया, बाहर माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर। अब देखिए इसकी फर्स्ट रो है वाई बी क्यू, दूसरी एक्स ए पी, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। सो ये प्रूफ सेट हो गया। ये आपका 8 क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैं काफी कम क्वेश्चन करा रहा हूं, केवल ये 18 मिनट का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो से पहले यहां तक का कंप्लीट कर लेना सभी स्टूडेंट्स।